हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। मुझसे अनिश घाटे ने हाल ही में सवाल पूछा कि भाई क्या टाइगर जिंदा है को नेशनल अवार्ड मिला है कोई भी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। और उम्मीद मुझे थी कि क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी थी, इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं और रियल स्टोरी जो थी उस पर कहीं ना कहीं बेस्ड थी, थोड़ा सा उसमें अपना अलग से टच था इस फिल्म में डायरेक्टर का, अलिया भट्ट जफर का। उम्मीद ज़रूर थी कि कोई ना कोई अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो उम्मीद थी वो थी कि बेस्ट फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट, और ऊपर से फिल्म ने कमाया भी था इतना, तो मुझे लगता था वो अवार्ड शायद मिल सकता था जो बाहुबली को गया है, बेस्ट फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट, क्योंकि आई थिंक बाहुबली भी डिजर्व करती थी और इससे भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रही टाइगर जिंदा है से ज़्यादा, ये भी आपको पता है। और मे बी यही रीज़न होगा शायद दिया गया है अवार्ड। और इंडिया में तो बाकी हिंदी फिल्म में तो न्यूटन को अवार्ड मिला है, और एक और अवार्ड डिजर्व करती थी टाइगर जिंदा है, जो मेरे हिसाब से लगता है मिलना चाहिए था बेस्ट एक्शन का। जी हाँ, बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है बाहुबली 2 के लिए नेशनल अवार्ड, वो मिल सकता था टॉम शूटर्स को टाइगर जिंदा है के लिए, क्योंकि टाइगर जिंदा है बहुत अच्छा एक्शन था। और मैं क्या बाकी क्रिटिक्स के भी आप पूछे, इंडिया या इंडिया के बाहर वाले, वो भी यही कहेंगे, बट उससे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो आशीष घाटे जी टाइगर जिंदा है को अनफॉर्चुनेटली एक भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला है, और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड न्यूटन को मिला है। और एक और अवार्ड है बेस्ट फिल्म फॉर सोशल इंटीग्रेशन, वो अवार्ड मिला है इरादा को, लेकिन हाँ इस फिल्म को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। एक्चुअली फिलहाल कितना ही,